कृष्णापयत्ता विधानेन यो लिंगस्पननोदकं त्रपवेतं विविधं पापं तस्य हासु विनश्यति। हर प्रकार का पाप समाप्त हो जाता है शिव को नहलाने के बाद। तीन बार आचमन कोई कर ले उस जल का। महादेव का जो जल है भगवान को अभिषेक के तत्पश्चात इसके छींटे लगाए जाते हैं शरीर के ऊपर। कुष्ठ रोग नहीं होगा जीवन में, चर्म रोग नहीं होगा, शिव के जल के छींटे ऊपर शरीर के ऊपर लगाए। जब शांति पाठ आचार्य लोग बोलते हैं तब यजमान के ऊपर छींटे, पूरा अध्याय में लिखा है ये सब, उसके ऊपर छींटे लगाते हैं उसको, और तीन बार फिर उसका आचमन कर लिया जाता है तो वर्णन किया गया है कि वो पावन हो जाता है, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। आनंद त्रपवेत विविधम पापम, कितना भी बड़ा पाप हो शिव को स्नान अभिषेक के तत्पश्चात तीन बार त्रपवेत, तीन बार उसको पीजिए। शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता। जिनके घर में शालिग्राम भगवान महादेव के बगल में रख करके पूजे जाते हैं उसका घर तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है, तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। ये 19 नंबर का श्लोक है और विद्येश्वरी संहिता का 21 नंबर का अध्याय है। ये 22 नंबर का अध्याय, 22 नंबर का अध्याय है और इसमें बोला गया है कि वो घर तीर्थ की तरह पावन हो जाता है जिस घर में भगवान शालिग्राम भगवान महादेव के साथ में जिनकी पूजा होती है। तो आप सब अपने अपने घर में शालिग्राम जरूर रखिएगा, आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ की तरह हो जाएगा। और क्या लिखा है, वर्णन किया कि ऐसी जगह पर सभी देवता चल के आ जाते हैं। लिंगो परिचयत द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वरा सो पवित्रम च तज्ञम यम लिंगम स्पर्शवायता। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य समयदार व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, भले ही उसके ऊपर चंडा का अधिकार न हो तो भी नहीं लेना। फिर क्या करें, उसको गैया के काम में लगा दो, दीन दुखियारों के काम में लगा दो। ये तो ब्राह्मण जो दक्षिणा लेते हैं अनुष्ठान की, तो उनके लिए भी नियम है। तो एकदम पिंडी के ऊपर जो चढ़ा है वो पैसा उन्हें अपने खर्चे में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी दक्षिणा चढ़ाने की बात आती है तो हम ऊपर पिंडी से स्पर्श करा के और उसको नीचे मूल भाग में दक्षिणा रख देते हैं, ब्राह्मण देवता के काम में आ जाए। इसलिए क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। वाण लिंगे चलव हुए चाह, एक लोहे का शिवलिंग और है जिस पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। सिद्ध लिंगे स्वयंभू, जो सिद्ध लिंग है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं, तो ये बड़े प्रभावशाली हैं। तो बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर, इनको सब अपने घर में रखिएगा। अब आइए बेल के महात्म की बात कही जा रही है। बेल पत्र की तो महिमा बहुत ज़्यादा अद्भुत है। बेल पत्र, बेल पत्र, एक बेल पत्र भी आप चढ़ा देंगे आनंद हो जाएगा। अब इसमें वर्णन किया गया कि षडोद्धम बिलो महात्म्यम सावधान तयादरात। सुसौनक्षियों को कहते हैं, अब इस प्रसंग को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि पुण्य तीर्थानि आवन्ति लोके सुप्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में बसते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बेल वृक्ष की जड़ों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अभ्यम, बेल पत्र के मूल भाग में स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। यह पूज्यत पुण्यात्मा सांसिवम प्राप्निया ध्रुवम, जो नित्य बेल पत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति ससर्वती तृष्णा तस्याः भुवि पावना, जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें
वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भूय पावन, संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बिल्व मूले जले रियस्तु मूर्धा नाम विशंसति, एक लोटा जल चढ़ाइए। एतस्य बिल्व मूलस्यां थालवानामनुत्तमं जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव के पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते, उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता, यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह, एक फूल पर रोली। लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इस शिव पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न रह शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आमनोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई। 27 फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह शिवलोकम आप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी, संतान सुख में।